আজকে এই ব্লগ আপ गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे, हम अभी पप्पा के कंपनी में जा रहे हैं उनका टिफिन देने। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारे पप्पा का टिफिन देने। गाइस अभी हम हमारे पप्पा की कंपनी में पहुंच गए और ये असल में जो सर की ढेप से जो ढेप निकलती है ना, जो गाय को चारे के रूप में दी जाती है, वो उसकी कंपनी यहाँ पे ढेप निकलता है और एक तेल भी निकलता है यहाँ पे, खाने का तेल हो गया। फिर इसको बाद में रिफाइन करके अच्छे से यूज़ में लाते हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे खेत की ओर। जो आपने आठवीं की पूजा देखी होंगी, उसमें जो जो फूल पत्ती और जो ढांडे रहते हैं, उसको नदी नालों में छिराने के लिए जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों अभी हमने जो फूल पत्ती जो ले आए थे वो सब छिरा दिए नाले में। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं हमारे खेत की ओर, अब मैं आपको हमारा खेत भी दिखाता हूँ। देखो गाइज आम के पेड़ यहाँ पे उनारे में, मतलब वही गर्मियों के मौसम में मस्त यहाँ आम लगे रहते हैं। बचपन में यहाँ पे हम बहुत आते थे खेलने के लिए, जब हमारे मम्मी पापा खेत में आते थे तब इधर हम बहुत कुछ खेलते थे। ये आम का पेड़ रहता था, मस्त यहाँ बैठे रहते थे दिन भर। देखो तो वो वहाँ से लेके तो वो आगे जो आपको नारियल के जैसा पेड़ दिख रहा होगा, वहाँ से लेके तो इधर तक इतने एरिया में हमारा खेत है। और हमारे खेत में अभी कपास लगाया है, और जब ये कपास निकालने जाएंगे तब उसका भी हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी खेत के अंदर चलते हैं उस साइड, क्योंकि फील आता है जब हम खेत में जाते हैं, एक अलग ही इंटरेस्ट, एक अलग ही फीलिंग और एक अलग ही मज़ा आता है गाइज जब हम खेत में जाते हैं। और ये हमारे खेत जाने का रास्ता है। तो देखो यहाँ पे एक कुआ है बहुत पुराना। अरे भाई पानी तो लगभग भरा ही है। ये हमारे खेत का कुआ नहीं है। और यहाँ गाइस तितलियाँ ही तितलियाँ उड़ रही है। और दोस्तों ये हमारे खेत के भगवान जी है। खेत में हमारे भगवान जी की स्थापना, ये एक भगवान जी, वो भगवान जी, और ये बांस का पेड़, और ये ऊपर आम का पेड़। यहाँ बीच में कुआ है, ये पाए ना कितनी ही उनके लो। और गाइस ये जो आपको बगरा हुआ पेड़ दिख रहा होगा, ये असल में बेर का पेड़ है। ये पाए ना फांदी पूरी बागुन के लिए। तो ये बेर का पेड़ है, जब हम छोटे थे तब बचपन में बहुत बार यहाँ आते थे, और बेर जब ये पेड़ को लगते थे तो हम डेली के आके पेड़ से बेर तोड़ के खाते थे। और वो जो सामने दिख रहा है आपको, ये वो आम का पेड़ है। तो गर्मियों में हम भी बहुत बार आम तोड़ने भी आते थे उससे। गाइस कुछ इस प्रकार का खेत है हमारा, आपको मैं चारों इधर से दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों इधर, वो उधर पीछे में कुआ है, और ये इधर आगे में भगवान जी है, और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये मेरे खेत का बेर का पेड़ है। इसमें बहुत बेर लगते थे, अभी तो उतने आते नहीं हम, पर अभी काम हो गया। और ये कपास के पेड़ छोटे छोटे, ए बड़े बड़े, इतने हाइट में कपास के पेड़ जब होते हैं तब उसमें कपास लगना शुरू हो जाता है। ये देखो यहाँ पे लगा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये देखो लगा है ना, इससे कपास निकालते हैं। अब ये देखो कपास दोस्तों, फोकस। और गाइस जैसे हमारे घर के सामने से ट्रेन दिखती है, सेम वैसे ही हमारे खेत के सामने से भी रेलवे पटरी की लाइन गई है। ये देखो ये जो है रेलवे पटरी की लाइन है। ये रोड मरम्मत का काम चल रहा है, पर ये कोई फायदा नहीं है दोस्तों, मैं बताता हूँ। ये कई कई जहाँ रोड फूटा रहता है, वहाँ वहाँ ये डांबर गिट्टी का ऐसा बना के डाल देते हैं, पर ये कुछ दिन नहीं चलता है, 15 दिन मुश्किल से चलेगा, और फिर उसके बाद फिर से रोड एक पानी के छींटे में ख़त्म। तो दोस्तों अभी हम छत पे आ गए, और देखो यहाँ से क्या ही खतरनाक व्यू दिखता है पूरे पांडुना का।
और ये रेलवे गेट का व्यू। खूबसूरत पौधे भाई, ये तो मेरे को सबसे मस्त पौधा लगता है, ये खतरनाक सा घना घना सा छोटा छोटा। और इधर भी बाकी के पौधे हैं। और गाइस ये ट्रेन भी चलती रहती है आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नए ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।